नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेलकम, जो आज का वीडियो होने वाला वो काफी खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं एंड कुछ अच्छे बैटर वाल गेम्स खेलना चाहती है अपने लो एंड पीसी में टाइप का। अगर आप पीसी या लैपटॉप और उसमें कुछ अच्छे बैटर वाल गेम्स खेलना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्यों के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ 5 ऐसे बैटर वाल लेके आया हूँ जो कि आपके लो एंड पीसी में अच्छे तरीके से चलेंगे। साथ ही साथ यार ये गेम आपको निराश नहीं करेंगे, मतलब आप खेलोगे तो यार सेटिस्फाई होगा कि हाँ ये गेम मैंने खेला। तो वेल गाइस, आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। और एक बात कि जितने भी आपको मैं गेम बता रहा हूँ सभी का लिंक आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात दोस्तों कि प्लीज़ यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेल की जो हमारा सबसे पहला गेम निकल के आता है उसका नाम है रूल्स ऑफ सर्वाइवल। एंड दोस्तों रूल्स ऑफ सर्वाइवल एक फ्री टू प्ले मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया नेट ईस गेम के द्वारा। एंड दोस्तों ये इस गेम को रिलीज किया गया था नवंबर 17, 2017 को। साथ साथ गेम आपके इसी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे एंड्रॉयड में खेल सकते हैं, अपने iOS में खेल सकते हैं। एंड गेम की मोड की बात करें तो भैया इसमें आपको काफ़ी सारे मोड्स मिलते हैं। इसमें आपको मल्टीप्लेयर मिल जाता है, आप इसमें बैटल रॉयल मोड खेल सकते हो, डेथ मैच खेल सकते हो, मतलब काफ़ी सारे इसमें आपको मोड देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों जो अपने को बैटल रॉयल में जो मैप मिलता है भाई, आप जैसे कि देख सकते हो मैप काफ़ी बड़ा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। टोटल प्लेयर 120 प्लेयर यहाँ पर आप लैंड होते हो, 120 प्लेयर मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, वरना कभी 100 एंड कभी 70 आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक नॉर्मल बैटल रॉयल गेम में आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पर आप सोलो डुओ स्क्वाड इनफैक्ट आप 5 प्लेयर भी साथ में खेल सकते हो, इसमें ये भी एक ऑप्शन है। एंड दोस्तों गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो भैया आपको ज़रूर से इस गेम को ट्राई करना चाहिए, तभी जाके आप इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी को इन्हेंस कर पाओगे। गेम में आपको काफ़ी सारे व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं, इनफैक्ट इसमें आपको एक टेम्पो भी देखने को मिल जाएगा एंड इस गेम में आपको साइकिल देखने को भी मिल जाता है दोस्तों। साथ साथ इस गेम में आपको काफ़ी सारे वेपन्स देखने को मिलेंगे। जो वेविंग एंगन मिलेगा वो 3rd person का मिलेगा, अगर आप 1st person स्विच करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर। एंड गेम में आपको अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। आप बता रहे हो इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ भाई। रैम सिर्फ 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो इंटेल HD ग्राफिक कार्ड में गेम आराम से चल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 7 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने PC या लैपटॉप पे। इस गेम को इंस्टॉल करना है तो भाई मेरे वेबसाइट पे इस गेम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उसका नाम है पिक्सल स्ट्राइक 3D। एंड दोस्तों पिक्सल स्ट्राइक 3D एक फ्री टू प्ले ऑनलाइन बैटल रॉयल वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया वेलग्राउंड के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम को रिलीज किया गया 29 मई 2020 को। की बात करें तो गेम आपके PC प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी से यहां पर आपको उपलब्ध है, आप स्टीम से जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप पार्ट्स में डाउनलोड करना चाहे तो पार्ट्स में इंस्टॉल करना चाहे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वेल इस गेम की बात करें तो भैया पिक्सल स्ट्राइक 3D एक मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसमें कि आपको काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्री टू ऑल, बैटल रॉयल, डेथ मैच, डेथ रन एंड ऐसे काफ़ी सारे आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों इस गेम में आपका जो बैटल रॉयल जो हमारा मोड है उसका मैप काफ़ी बड़ा है। जब आप गेम में जब आप बैटल रॉयल गेम खेलोगे तो यहाँ पर आपको टोटल 25 प्लेयर देखने को मिलेंगे लॉबी में। एंड यहाँ आपका जो ग्राफिक्स क्वालिटी दोस्तों इस गेम में काफ़ी OP है यार। साइज़ के हिसाब से गेम काफ़ी ऑसम है। ये गेम को आप बोल सकते हैं अगर आप एक माइनक्राफ्ट गेम आपने खेला होगा तो उस बेसिस पे इसका ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है यार। सोलो डुओ स्क्वाड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वेपन्स देखने को मिलेंगे। एंड जैसे कि आप एक नॉर्मल बैटल रॉयल गेम में जंप करते हो एरोप्लेन से, सिंपली आपको पूरा उस तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, मतलब पूरा फनी गेम है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ दोस्तों, रैम की बात करें तो भैया 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 3 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने PC या लैपटॉप पे। अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना तो भाई स्टीम से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट्स में इंस्टॉल करना है तो भाई मैं अपनी वेबसाइट पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से इंस्टॉल कर ले। एंड वेल गाइस बढ़ते हैं थर्ड गेम के ऊपर। ओके, तो वेल गाइस जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उसका नाम है साइबर हंटर। एंड दोस्तों साइबर हंटर के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, गेम काफी पॉपुलर रह चुका है एंड ये एक तरह का बोल सकते हैं फ्यूचरिस्टिक गेम है।
मतलब पूरा फ्यूचर बेस्ड गेम है, बट यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड बैटल रॉयल गेम का यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। इस गेम का जो मैप है दोस्तों वो काफी बड़ा है, तो इस गेम के बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों साइबर हंटर को रिलीज किया गया था 18 जून 2020 को, डेवलप एंड पब्लिश किया गया नेट इस गेम के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम में आपको मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल मोड एंड काफी सारे अदर मोड देखने को मिल जाते हैं, मतलब काफी मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। गेम का जो मैप है वो काफी बड़ा है, एंड दोस्तों इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो हद तक पबजी पीसी से आप इसे कंपेयर कर सकते हो, मतलब इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो काफी रियलिस्टिक है। इस गेम में आपको अलग अलग टाइप के व्हीकल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग एबिलिटी टाइप के गन्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट वोर्ड भी देखने को मिल जाता है। इस गेम में जब आप बैटल रॉयल गेम खेलोगे तो लॉबी में आपको 100 प्लेयर देखने को मिलेंगे, मतलब जो लॉबी रहता है वो 100 प्लेयर का रहता है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो भी कुछ ज्यादा नहीं, इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। सो बल्कि इस रैम की बात करें तो भैया 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो इंटेल एचडी ग्राफिक कार्ड में गेम आराम से चल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर i3 में गेम बहुत ही आसान तरीके से चल जाएगा, अगर आपके पास इससे कम प्रोसेसर है तो भी ये गेम चलेगा। स्पेस की बात करें तो भैया 7 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको इस गेम को भी डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो प्लीज मेरे वेबसाइट पर जाएं एंड इस गेम को इंस्टॉल करें। बढ़ते हमारे फोर्थ गेम के ऊपर, बल्कि हमारा जो फोर्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंस। एंड दोस्तों इस गेम के बारे में हर कोई जानता है, ये गेम को स्ट्रीम में 9/10 का रेटिंग मिला है दोस्तों, मतलब आप सोच सकते हो गेम कितना ओपी है। गेम की बात करें तो काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंस एक फ्री टू प्ले मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है। डेवलप एंड पब्लिश किया गया वेल्व कॉर्पोरेशन के द्वारा, एंड इस गेम को रिलीज किया गया 1 अगस्त 2012 को। गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक, ओएस, प्लेस्टेशन 3, लिनक्स एंड एक्सबॉक्स 360 में आराम से खेल सकते हो। गेम फ्री टू प्ले है, आप स्टीम से आराम से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर जिन लोगों को इशू आता है पार्ट्स में यार, तो मेरे वेबसाइट से जाके इसे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात, गेम में आपको काफी सारे मैप्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लेयर का भरमार है। इसमें आपको वॉर मिलता है, डेथ मैच मिलता है, एंड इनफैक्ट इसमें आपको प्रैक्टिस मोड भी देखने को मिल जाता है। इस पर एक और मैप देखने को मिल जाता है, CS:GO डेंजर जोन। तो भैया ये भी एक तरह का बैटल रॉयल गेम, छोटा बैटल रॉयल गेम बोल सकते हैं, इसका मैप का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है, बट काफी इंटरेस्टिंग गेम। एंड इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया ओपी ग्राफिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग गन देखने को मिल जाते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये 2 GB रैम पे नहीं चलेगा, तो यहाँ पर मैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको बता देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर टू ड्यूओ में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 15 GB के आसपास स्पेस खाया था अपने पीछे लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर लो। और फिर भी CS:GO लैग करता है तो आई बटन में आपको एक लैग FPS बूस्ट का वीडियो मिल जाएगा, तो उसे जाके देखना, आपका गेम आराम से चल जाएगा। तो वेल गाइस बढ़ते हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। फिफ्थ गेम निकल के आता है, उसका नाम है मॉडर्न कॉम्बैट 5। कॉम्बैट 5 एक फ्री टू प्ले ऑनलाइन मल्टीप्लेयर शूटिंग वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया गेम लॉफ्ट के द्वारा, एंड इसे रिलीज किया गया था July 2014 को। सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, विंडोज, एंड्रॉइड, iOS। की बात करें तो भैया इसमें आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, डेथ मैच मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मल्टीप्लेयर मिल जाएगा, बैटल रॉयल मोड मिल जाएगा, तो काफी सारे इसमें आपको मोड देखने को मिल जाएंगे। एंड दोस्तों गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी है, एंड इस गेम का जो बैटल रॉयल मोड है वो काफी बड़ा है। जब आप बैटल रॉयल मोड खेलोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको 40 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ जो इस गेम का मैप के साइज है वो काफी बड़ा है। एंड दोस्तों इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, की बात करें तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में रीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर टू में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 5 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वेबसाइट पर लिंक है, आप वहां जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ 5 फ्री टू प्ले बैटल रॉयल गेम थे आपकी लोन पीसी के लिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट करना कि इन 5 में से आपका फेवरेट कौन सा गेम है, एंड अभी आप कूद फान के कौन से गेम को इंस्टॉल करने वाले हो। एंड दोस्तों चैनल पे नए हो या भाई किसी भाई ने आपको सजेस्ट कर दिया, देखो एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में तुम्हारा कुछ भी नहीं जाता, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।